इन सब के बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा उसे देखना। अब हम दूसरी बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आर वी लिविंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। संभवतः हम डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं, हम पार्टी क्रेसी में रह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी। मैं क्या सही कह रहा हूँ? इसका से आप सहमत हैं? ये पार्टी अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है, अनपढ़ गवार बाहुबली दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट देती है। जो लोग हमसे चुने जा रहे हैं वो स्वयं तो अपराधी हैं ही, वो अपराध करते हुए ही जीतते हैं। तो अपराध कौन सा करते हैं आज ये बताइए, दारू बांटना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना अपराध है कि नहीं है? तो चुने गए अपराधी अपराध करते हुए जीतते हैं और उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपके लिए अच्छे कानून बनाएंगे, क्या ये हमारी अपेक्षा उचित है? नहीं है। मैं आपको समाधान की ओर लेके जाऊंगा, अभी सिर्फ हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, जो कि कोई नतीजा नहीं निकला।